मैं इस वक्त रायबरेली में फिरोज गांधी कॉलेज में मौजूद हूँ। ये फिरोज गांधी कॉलेज है। हम रायबरेली आए हुए हैं सोनिया गांधी के फैसले के बाद कि वो इस बार लोकसभा चुनाव रायबरेली से नहीं लड़ेंगी। इस बार वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, अब वो राज्यसभा के चुनाव में लड़ेंगी। अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायबरेली की युवा पीढ़ी, रायबरेली के फर्स्ट टाइम वोटर्स। हम इनसे बात करेंगे, देखेंगे कि इनका क्या कहना है कांग्रेस के बारे में, क्या बीजेपी का यहाँ पे कद बड़ा है, क्या नई पीढ़ी क्या सोचती है सोनिया गांधी के बारे में, प्रियंका गांधी के बारे में, राहुल गांधी के बारे में। हम उनसे बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या हुआ जी? मेरा नाम छाया सोनी है। आप कौन से ईयर में? आप मैं सेकंड ईयर में, फोर्थ सेमेस्टर मेरा। अच्छा, तो आपने पहले वोट दिया है? आप फर्स्ट टाइम वोट देंगे इस बार? फर्स्ट टाइम वोट देंगे। तो आपका क्या कहना है सोनिया गांधी के इस फैसले को लेकर कि जो यहां से वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, रायबरेली के युवा पीढ़ी का क्या कहना है? नहीं लड़े तो ये उनकी इच्छा है। तो प्रियंका गांधी कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगी यहाँ पर? बिल्कुल कर पाएंगी, अगर उनमें क्षमता होगी, विकास करेंगी और अपना इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे, वोट लेंगी। अच्छा जी, तो आपके परिवार वालों का क्या कहना है इसको लेकर? ये परिवार वाले जाने, सबका अपना अलग अलग मत है और सब अपने इच्छा अनुसार मत देने के हम उनको विवश तो नहीं कर सकते ना कि आप हमारे मतानुसार चलो। आपका अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू, आप उसके अनुसार चलो। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि अगर आपने विकास किया है, आप अपने विकास के नाम पर वोट तो मांग सकते हैं, विकास करिए मांगिए, लेकिन आप दूसरे के विकास पर अपनी फोटो चिपका के, अपना नाम चिपका के वहाँ पर वोट मांगना गलत है। अगर हम लखनऊ मेट्रो की बात कर लें, लखनऊ मेट्रो सपा में आई पर वहाँ पे फोटोज लगी हैं बीजेपी के, मोदी के, योगी के, और उसके नाम वहाँ पे चल रहा है स्क्रीन में कि हमने इसका विकास किया। ये कैसा विकास? आपने मेट्रो कोई दिक्कत नहीं थी, और अभी जल्दी में मंदिर का लोकार्पण हुआ, अधूरे मंदिर को लोकार्पित करने का क्या उद्देश्य था? पूरा हो जाने देते, ऐसी क्या जल्दबाजी की हम लोग बात करें तो भाजपा ने बीजेपी का कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ी है। आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है किस की तरफ लोगों का ओपिनियन जाएगा यहाँ रायबरेली में? तो इस बार बीजेपी आ रही है। ऐसा क्यों, आपको क्यों लगता है? 5 साल सोनिया गांधी यहाँ पे दिखी ही नहीं, और वो इस बार क्या कहते हैं कांग्रेस इस बार यहाँ से ना ही लड़े तभी बेहतर है, क्योंकि वो इस बार बहुत बुरी तरीके से हारने वाली हैं। और क्या कहते हैं यहाँ के सबने सोच लिया है कि बीजेपी आएगी, बीजेपी ने विकास किया है, बीजेपी ने रायबरेली के बारे में सोचा है। अगली बार भी जैसे अमेठी, क्या कहते हैं अमेठी में कांग्रेस को हराया और वो छोड़ के राजस्थान। इस बार तो सोनिया गांधी ने कहा है कि वो नहीं लड़ेंगी यहाँ पर, अब प्रियंका गांधी आएंगी, तो अब उस पर प्रियंका गांधी, इससे गांधी परिवार यहाँ रायबरेली से इस बार चला जाएगा, इस बार सिर्फ बीजेपी आ रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि बीजेपी विकास कर रही है, बीजेपी लोगों का मतलब। आपका क्या कहना है? मेरा भी यही सहन है कि बीजेपी ही आ रही है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि प्रियंका गांधी कुछ ऐसा खास कर पाएंगी, क्योंकि उतना राजनीतिक में वो रही भी नहीं है। प्रियंका गांधी का चेहरा सिर्फ लगाने से कुछ ऐसा कुछ खास असर नहीं होने वाला है, जबकि जब सोनिया गांधी थी तब तो कुछ ऐसा असर हुआ नहीं, तो प्रियंका गांधी आने से कौन सा। बट अगर पुरानी पीढ़ी की बात करें, पुरानी पीढ़ी की हम लोग बात करें, तो यहाँ पे ये गढ़ माना जाता है कांग्रेस का, सोनिया गांधी का, ये पूरा गढ़ माना जाता है। गढ़ तो अमेठी को भी माना जाता था, लेकिन अब कहाँ पर, वहाँ पे बीजेपी ही आ गई है पिछली बार से, लेकिन अब की बार से यहाँ पर भी आ जाएगी। तो मतलब जो अमेठी में हुआ वो यहाँ पे भी हो सकता है आपका कहना है, लेकिन हमने कई लोगों से बात करी, कई बड़े लोगों से बात करी, उनका गांधी परिवार की तरफ अभी भी लगाव है। आपका क्या कहना है? देखिए, जब तक अखिलेश सिंह थे तब तक तो कांग्रेस का रुतबा था, तब तो ये था कि हाँ कांग्रेस का नाम था रायबरेली में, लेकिन अखिलेश सिंह की बेटी जो थी उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन कर लिया, उसके बाद से बीजेपी की तरफ ही सबका रुझान हो गया है। और हिंदुत्व को और सनातन धर्म को ये लोग, हिंदू लोग जो ज़्यादा इसको मानने लगे हैं कि मतलब मंदिर बन रहा, हिंदू धर्म बढ़ रहा, तो इसलिए इधर के लोग ज़्यादातर मतलब बीजेपी को ही सपोर्ट कर रहे हैं। सर, हमारे ख्याल से कि किसी धर्म या जाति के नाम पर नहीं वोट बैंकर्स हो रहा है, केवल काम के ऊपर हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने केवल वादा किया, अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया, लेकिन यही के स्थान पर बीजेपी की सरकार है, भले उसने वादा नहीं किया। एक इंसान होता है कि एक किसी कार्य को शुरू करता अंजाम तक नहीं पहुँचा पाता, बीजेपी की सरकार ने भले ही वो कार्य शुरू किया उसे अंजाम तक भी पहुँचा, इसलिए बीजेपी ही जीतेगी। हम लोग विकास की बात कर रहे हैं, कांग्रेस यहाँ पे अगर हम बात करें, आपके जैसे घर वाले होंगे, हो सकता है आप में से कहीं, आप लोग बीजेपी के बारे में बोलें, हो सकता है आपके घर वाले जो हैं कांग्रेस के सपोर्टर होंगे, कहीं ना कहीं आप में से हैं किसी के घर वाले? आप में से नहीं है, लेकिन हमने पुरानी पीढ़ी से यहाँ पे बात करी, उन्होंने कहा है कि वो गांधी परिवार से जुड़े हुए हैं, उनका एक इमोशनल लगाव है गांधी परिवार को लेकर, तो
वो इमोशनल लगाव अब आप लोग में ऐसे युवा पीढ़ी में क्यों नहीं दिख रहा किस तरीके से? सर काम पे होता है सर, अगर होता है उन्होंने काम किया पहले के समय में, हो सकता हो काम उतना अच्छा किया हो, हम लोग तो थे नहीं उस समय, तो उस वजह से हो सकता है उनका इमोशनल उतना अटैच्ड है। और ग्राउंड लेवल पे जाके मतलब अटैच नहीं हुए लोगों से, ग्राउंड लेवल पे सतही स्तर पे ये लोग कभी लोगों से जाके मिले नहीं, गरीब लोगों की बातें नहीं जानी, जब इलेक्शन टाइम में ही होता है बस उसके उससे। बीजेपी आई है ग्राउंड लेवल पर? हाँ बीजेपी, अदिति सिंह है यहाँ की, अदिति सिंह यहाँ की सांसद है, वो हमेशा जाती है, विधायक है वो यहाँ की हमेशा जाती है। सोनिया गांधी कहती हैं कि रायबरेली मेरा परिवार है, रायबरेली मेरा गढ़ है, वो यहाँ आती ही नहीं है, यहाँ देखती नहीं है, ऐसे कैसे किसी का परिवार चलता है? 5-6 साल या जितने साल पहले कभी आई होंगी, कभी सिर्फ अपना जब वोट उनको चाहिए तब आ गई, नहीं तो ऐसा कुछ खास। 5 साल में अब इनका रोड शो लग गया है राहुल गांधी का, 5 साल तक ये दिखे नहीं। यहाँ की सड़कें आज भी सर उसी तरीके से खस्ता हाल है, कई मैंने क्षेत्र देखे, बल्कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पे लोकसभा की सांसद सोनिया गांधी है, लेकिन सरकार तो बीजेपी की भी है यहाँ पर, तो क्या उसमें सिर्फ सोनिया गांधी को दोष दिया जा सकता है इस बात को लेकर? सर क्योंकि वो यहाँ की सांसद रह चुकी हैं, अगर वो किसी कार्य के लिए प्रेशर डालती तो कंफर्म कार्य होता, लेकिन वो कार्य इधर नहीं कंप्लीट हो पाया है इसीलिए, क्योंकि इसलिए हमारे ख्याल से तो नहीं लगता है। तो सोनिया गांधी इस समय ज्यादा थी सांसद में, बीजेपी अभी भी अगर देखा जाए तो बीजेपी उतना नहीं है रायबरेली में, सोनिया गांधी जितना रही हैं, जितना सांसद वो रही हैं, कांग्रेस का जो गढ़ माना जाता है तो कांग्रेस ज्यादा रही है रायबरेली में, तो मेन तो कांग्रेस को ही बोला जाएगा ना, सोनिया गांधी को ही दोष देंगे। आप कुछ कह रहे हैं? सर मेरा ये मानना है, देखिए यहाँ पर जितने भी कॉलेज हैं, बड़े बड़े कॉलेज हैं, सारे सोनिया गांधी की सरकार में आए हैं। हमारा एम्स बना है वो भी सोनिया गांधी की सरकार में आया है, उसके बाद योगी वहाँ बैठते हैं और यहाँ से आधे सिस्टम उठा के गोरखपुर उठा देते हैं एम्स का, दूसरा भी तो बना सकते थे पर यहाँ के आधा सिस्टम उठा के वहाँ ले गए, तो ये कैसा न्याय हुआ? और अगर अलग बात करें हम कि यहाँ पे अदिति सिंह थी, तो अदिति सिंह को रोड अभी भैया बोले कि अभी भी रोड प्रिपेयर नहीं है, तो कम से कम रोड ही प्रिपेयर करवा देती, रोड भी तो पूर्णतः सही नहीं है ना, तो हम ये नहीं। और विकास का ऐसा कौन सा काम है जो रायबरेली के ग्राउंड लेवल पे आकर बीजेपी ने किया? कॉलेज और हम एम्स की बात कर ले या हम AIR FM की बात कर ले, सब तो सोनिया गांधी का दिया हुआ है। एम्स की बात की जाए, कॉलेज यहाँ पे कई लोगों का कहना है कि यहाँ पे कॉलेज एम्स हम ये कॉलेज जैसे एम्स गढ़ था तो उन्होंने पहले बनवाया था, बीजेपी इस बार आएगी बीजेपी का कार्य दिखेगा। सर उन्होंने केवल शुरुआत की, मैं तो ये तो कांग्रेस ने शुरुआत की लेकिन उस कार को अंजाम तक नहीं पहुंचाया। उन्होंने एम्स को बोल तो दिया हम बनवाएंगे, वादा कर दिया लेकिन वादा कंप्लीट ही नहीं किया, उस वादे को कंप्लीट की बीजेपी ने। एम्स तो बन गया ना, तो बन गया अभी बनाया ना, अभी अगर एम्स जाए अभी हम, क्योंकि मेरे घर में भी पेशेंट एम्स जाते हैं, एम्स जाए तो वहाँ पे अभी भी निर्माण चल ही रहा है, अभी भी अगर जाए वहाँ पे ना व्हील चेयर ना कुछ, कोई ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है अभी भी। अगर आप पेपर देखें, एम्स की नींव रखने से कुछ नहीं होता, ऐसे तो फिर बीजेपी राम मंदिर के लिए उसको भी सपोर्ट कर सकते हैं, राम मंदिर ने किया उसमें। अब अगर आप सोनिया गांधी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने एम्स बनवा दिया, तो ये तो ऐसा कुछ अगर इसके उस पर कर रहे हैं कि हाँ सोनिया गांधी अच्छी हैं, तो फिर बीजेपी ने राम मंदिर खड़ा कर दिया हुआ, बताइए। तो मतलब नहीं अच्छा ठीक है एक सेकेंड। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ राम मंदिर को लेकर थोड़ा बदलाव, मतलब वोट जो ओपिनियन है राम मंदिर को लेकर बदला है कि नहीं? जी बिल्कुल बदला है, बदलेगा। राम मंदिर आप लोग के लिए मुद्दा था? यस सर था, बिल्कुल राम मंदिर बिल्कुल मुद्दा है। बीजेपी ने उसको करके दिखाया है, मनमोहन सिंह थे उन्होंने 10 साल वो भी रहे, कांग्रेस वो थी जिन्होंने उन्होंने राम को बोला कि राम सिर्फ झूठी कल्पना है, बीजेपी थी जिसने राम मंदिर पे काम किया, उस पर वहाँ पर राम मंदिर बनवाया है। ठीक है मानते हैं अभी पूरा नहीं निर्माण हुआ है, लेकिन यहाँ के लोगों में जो उत्सुकता थी कि हाँ राम मंदिर बने, हम अपने दर्शन करें अपने राम जी के, जो मेन उन्होंने मूर्ति स्थापित कराई है वो उनका ये नहीं कि क्या कहना है इसके ऊपर राम मंदिर को लेकर, और क्या राम मंदिर मुद्दा है युवा? सर राम मंदिर एक प्रमुख मुद्दा है क्योंकि 1527 जब से बाबर गए उसके बाद से मंदिर के लेके किसी ने भी पहल नहीं की, मतलब उन्होंने नेहरू ने कहा कि ठीक है उसी में करो एडजस्ट करो कैसे भी, लेकिन एक निर्णय जो होता है कठोर निर्णय लिया तो वो मोदी सरकार ने लिया, तो ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है मोदी सरकार की जीत के लिए। आपका क्या कहना है? देखिए राम मंदिर, देखिए आपका आप इधर आ जाइए, आपका काफी स्ट्रांग ओपिनियन है और सबसे अलग ओपिनियन है, तो आपका क्या कहना है बताइए? देखिए राम मंदिर आस्था का केंद्र है और बिल्कुल सही है, मंदिर बना है, बनना भी चाहिए था क्योंकि भारत में नहीं बनेगा राम मंदिर तो कहाँ बनेगा, लेकिन इस अधूरे मंदिर का लोकार्पण करना ये अनुचित था, पूरा हो जाने देते, क्या जल्दी थी पूजा पूरा हो जाने तो नहीं था, उनको टेंट में रखा गया था, मंदिर अधूरा उन्होंने कभी बनवाया नहीं। चलिए ठीक है, मुद्दा अभी राम मंदिर नहीं है, मुद्दा है सोनिया गांधी कांग्रेस बीजेपी है ना। आप लोग का एक एक लाइन का अगर मैं क्लोजिंग रिमार्क लूं, प्रिया क्या प्रिया,
भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो गई है, आज यूपी में होनी है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, यहाँ पर भी आएगी, तो क्या कांग्रेस वापस जीत पाएगी यहाँ से? नहीं जीत पाएगी। देखिए हम ये चीज देख रहे हैं कि आज के युवा जो पढ़े लिखे भी है उनको विकास से उतना मतलब नहीं है जितना धर्म से। देखिए धर्म हर चीज के लिए आपको, यानी कि धर्म आपको परिपूर्ण नहीं कर सकता है, सिर्फ धर्म नहीं, आपको विकास उसमें करना ही होगा। तो हमारी ये अपील है युवा पीढ़ी से कि आप विकास के कार्यों पर भी ध्यान दें और कोशिश करिए कि आप वोट जो है आपका सही क्षेत्र में जाए, सिर्फ धर्म के नाम पर किसी को बिठा देना सही। मैं एक सर स्पोर्ट प्लेयर हूँ और ब्रजभूषण सिंह शरण आप जानते होंगे, और उन्होंने जिस तरह से महिला पहलवानों का शोषण किया और उनके खिलाफ अन्याय हुआ, उनको न्याय मिलना चाहिए था, पर फिर भी आज वो सत्ता में है और उसका कुछ नहीं हो रहा है। आप मेडल की उम्मीद नहीं कर सकते खिलाड़ियों से जब वहाँ पर इतने बड़े स्तर पर उनका। हम लोग थोड़ा सा डाइग्रेस कर गए, मुद्दा ये है अभी फिलहाल कि क्या वापस यहाँ पर सोनिया गांधी के जाने से प्रियंका गांधी वापस यहाँ पे रायबरेली की जनता उनको जिता पाएगी? नहीं सर, ऐसा नहीं हो पाएगा, इस बार तो बीजेपी आएगी। सर मेन चीज ये है भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ नाम के लिए, अभी अगर सिर्फ बात करी जाए कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी 3 स्टेट से होते हुए आ रहे हैं, तीनों स्टेट अपने हार गए, भारत जोड़ो यात्रा कोई काम की नहीं आई उनकी, और यहाँ भी आ रहे हैं यहाँ भी हार ही जाएंगे, हार ही जाएगी, यहाँ पे बीजेपी आएगी, यात्रा से उनका विकास नहीं हो रहा है। 27 साल कांग्रेस की सरकार थी तब तो भारत को जोड़ नहीं पाए हैं, अब भारत को जोड़ लेंगे एक दो दिन में। सब सही बात है। और सर सुनिए सुनिए, ब्रजभूषण के ऊपर गलत आरोप लगाया था वो पहलवान। नहीं नहीं ये सब जुडिस मैटर है सर। एक्चुअल में सर हम लोग सर युवा पीढ़ी है, स्टूडेंट्स हैं सर, हमको सर ये राम मंदिर का मुद्दा ये सारी चीज़ें अलग हैं, और सर वैसे हम किसी एक पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ना बीजेपी को कर रहे हैं ना कांग्रेस को, और ये सही बात है कि कांग्रेस ने एक समय पर यहाँ पर बहुत ही अच्छा विकास किया है, और सर हम नहीं ये हम के हम हमारे गार्जियंस लोग भी बताते हैं, तो सर ऐसा नहीं कि कांग्रेस कभी सत्ता में नहीं आ सकती है, कांग्रेस सत्ता में आ सकती है, लेकिन सर वो अपने अच्छे व्यू पॉइंट्स रखें कि वो स्टूडेंट्स के लिए क्या कर रहे हैं, रायबरेली के लिए क्या कर रहे हैं। सर एक्चुअल में जो कांग्रेस के समय पतन का मुख्य कारण ये है कि सर माना हमने कि सर बीजेपी की समय सत्ता है, तो सर उन्होंने अपने गढ़ को, ये गढ़ था उनका, तो सर उन्होंने यहाँ पे मिलना ही छोड़ दिया, विजिट करना ही छोड़ दिया, यहाँ की जनता से आके मिलें, क्या करना चाहते वहाँ यहाँ के बारे में अपने व्यू पॉइंट्स रखें, तो सर ऐसा नहीं कि सर कांग्रेस नहीं आ सकती, सर चुनाव है, कुछ भी हो सकता है, आज बीजेपी है कल कांग्रेस आ सकती है, तो सर ये है कि अपनी अच्छी नीतियाँ रखें तो हो सकता है। खास प्रॉब्लम ये देखने को मिली वैकेंसी के प्रॉब्लम में सर, वैकेंसी के प्रॉब्लम में हमेशा पढ़े लिखे युवा जो होते थे वो कभी अच्छे पदों पर नहीं जा पाए, हमेशा पैसे देने वाले चले जाते थे, लेकिन बीजेपी की सरकार में ये 50,000 वैकेंसी आई यूपीपी की, मैं उससे खुश हूँ। कहीं ना कहीं मतलब युवा पीढ़ी का जो रुझान है वो थोड़ा सा बीजेपी की तरफ हमें देखने को मिल रहा है। ये युवा पीढ़ी है रायबरेली की, काफ़ी जोश है, काफ़ी आक्रोश है, काफ़ी पॉलिटिकली ओपिनिएटेड हैं, ये सारे के सारे फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, ये पहली बार अपना मतदान करेंगे, और देखने को मिलेगा कि क्या यहाँ से अगर प्रियंका गांधी लड़ती हैं तो क्या वो यहाँ से जीतेंगी या फिर यहाँ पर एक अमेठी का रिपीट हो सकता है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र कुमार सैनी के साथ फैज़ अहमद और तनिष पंजाबी, NDTV।